हे गाइस व्हाट्स अप। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि कौन सी जो 10 सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि सिविल सर्विस परीक्षार्थियों को पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल चांस बन सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 10 बुक पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये 10 बुक के बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो पाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं unacademy.in/user/romansaini, और यदि आपको इन वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा होता है तो कंट्रीब्यूट करके एक बटन है वीडियो के ऊपर, उस पर आप क्लिक करके एक वॉलंटरी फ़ी दे सकते हैं ताकि unacademy पे और भी बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स को हम लेके आ सकें। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बुक की, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक सबने सुनी होगी, तो बहुत ही एक ऑसम बुक है। मैं पहले बहुत सारी बुक पढ़ चुका हूँ, डीडी बसु, सुभाष कश्यप, बहुत सारी बुक्स मैंने पर्सनली पढ़ी हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत के आसपास कोई भी नहीं आता है, क्योंकि ये सिविल सर्विस परीक्षा के हिसाब से लिखी गई है। बाकी सारी बुक्स में बहुत सारा ज्ञान है जो काफ़ी थोड़ा इंटेलेक्चुअल्स हायर स्टडीज़ के लिए होगा, कुछ जो हम मेरे समझ में नहीं आता, शायद मेरे कम दिमाग होगा इसलिए शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन लक्ष्मीकांत जो है वो मुझे बिल्कुल समझ में आती है, पेज बाय पेज मुझे समझ में आती है। हालांकि ये काफ़ी मोटी किताब है, इसमें करीब आपको 800 पेज मिलेंगे, लेकिन इसमें जो रीडिंग मटेरियल है काफ़ी वर्थ इट है इसके। आप मतलब रिवाइज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन उसको पढ़ करके अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी, और आपके सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स में तो 100% ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेंस में भी काफ़ी कुछ इससे कवर होता है। और अगर आपने लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़ लिया है तो आपको स्टैटिक पॉलिटी के लिए किसी भी और सोर्स को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो पहली बुक थी हमारी इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। अब हम दूसरी बुक की बात करते हैं। देखिए, हिस्ट्री में मिडिवल इंडिया के लिए तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री के लिए अगर आप एंशियंट इंडिया के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लें या कुछ एक नोट्स पढ़ लें थोड़े बहुत, तो उनसे काम चल जाता है ऑनलाइन ब्लॉग से। लेकिन मॉडर्न इंडिया के लिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग जो मैं देखता हूँ बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, जो 600 पेज की करीब किताब है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी बड़ी लगती है, क्योंकि उससे रिविजन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स नहीं है, उसमें काफ़ी नॉवल स्टाइल में बुक लिखी गई है, जैसे कि हम उपन्यास लिखते हैं उस स्टाइल में बुक लिखी गई है, वो जनरल पब्लिक के लिए, वो यूपीएससी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया देखें, राजीव हीर जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने लिखी है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पर्सनल नोट्स की बुक बना दी है। तो उसको अगर आप पेज बाय पेज पढ़ेंगे, ज़्यादा बहुत छोटी सी बुक है, वो आपकी जेब में भी आ जाएगी, उसकी आप कंसाइज समरी पे फोकस करें। ठीक है, वो बहुत ही एक समराइज्ड वर्जन है, उसके बावजूद भी हर चैप्टर को एक समरी में लिख रखा है। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए, लेकिन हालांकि मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि उसके अलावा आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, जो कि 2008-2009 तक एक एनसीईआरटी होती थी, उसके बाद कुछ कारणवश इसको हटा दिया गया है, लेकिन अब ये ओरिएंट ब्लैक स्वान इसको पब्लिश करता है, तो वो एज इट इज़ पब्लिश करता है जो एनसीईआरटी थी। तो आपको इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो किताब है बिपिन चंद्रा की, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा जो एनसीईआरटी थी पहले, उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने ये एनसीईआरटी और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ऑब्वियसली आप बेसिक एनसीईआरटी तो पढ़ ही लेना, 6th से 12th क्लास की जो बेसिक एनसीईआरटीज होती हैं वो तो बहुत जल्दी पढ़ लोगे, 6th से 10th क्लास तो आप अगर एक दो दिन बैठोगे तो पूरी पढ़ लोगे। तो अगर आपने वो कवर कर लिया एनसीईआरटीज और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा और राजीव अहिर, तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिपिन चंद्रा को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी बुक है एनसीईआरटी। 6th से 10th तक आप जो भी रेलेवेंट एनसीईआरटी पकड़ पाए उसको पढ़ लीजिए, चाहे सोशल साइंस हो चाहे साइंस हो। ठीक है, 6th से 10th तक आप कोई भी एक्सक्यूज मत दीजिएगा। 11th और 12th में आपको सोशल साइंस की तो पढ़ ही लेना, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो साइंसेज हैं उसमें मैं चाहूँगा कि आप फिजिक्स तो बिल्कुल भी ना छुएं, केमिस्ट्री भी 11th की बिल्कुल ना छुएं, 12th क्लास की जो सेकंड वॉल्यूम है उसके लास्ट 3 चैप्टर पढ़ लें, और बायो की जो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके लास्ट 4 चैप्टर पढ़ लें। अगर आपने इतना भी कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा है। तो एनसीईआरटीज जो हमारा है वो 3rd कैटेगरी है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीधे निकलते हैं, और ये आपका बेस या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप एनसीईआरटीज को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। इसके बाद हम चलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जो पेपर वन है उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन तो निश्चित हैं ही। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा, आरसी गुहा ने जो किताब लिखी है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो बिपिन चंद्रा ने किताब लिखी है, उन लोगों वो किताब उठा लेते हैं। वो बहुत मोटी मोटी किताब है, 500-600-700 पेज है उसमें, ऑब्वियसली उसको नहीं पढ़ सकते आप, एक 2 क्वेश्चन के लिए इतनी मोटी किताब थोड़ी पढ़ोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी एक्सट्रीमली सेलेक्टिव रीडिंग करो। आप टॉपिक पढ़ो कि जस्ट इमीडिएटली व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आप पढ़ो कि हाउ डिड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, आप पढ़ो कि 9th शेड्यूल क्या होता है,
ठीक है, आप पढ़ो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने क्या किया, लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ स्टेट पे कैसे डिवाइड हुए, इंडिया चाइना वॉर पढ़ो आप पढ़ो कि मतलब कैसे 5 ईयर प्लान्स आए, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी एंड स्टफ लाइक दैट, रीड दैट, और ताशकंद एग्रीमेंट क्या था। बट प्लीज डू नॉट रीड इट पेज बाय पेज एवर, इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट, एक्सट्रीमली सेलेक्टिव रीडिंग, बहुत ही चुन चुन के पढ़ना पड़ेगा वरना आपका कोर्स खत्म नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग। ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग बना देती है बुक। ठीक है, जैसे इसका पार्ट वन तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें अर्थक्वेक, स्पेस, अर्थ, आप उनकी बात करते हैं, नाना प्रकार के जो तरह तरह के नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, सुनामी कैसे आती है या चाक फॉर्म लैंड कैसे बनता है, ये सब कुछ ले, सब कुछ, ओशियंस क्या होते हैं, वेव्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ाता है। पार्ट वन इज अबाउट लाइक फिजिकल ज्योग्राफी, पार्ट टू इज अबाउट लाइक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कुछ क्लाइमेट की बात करता है, कुछ वेदर की बात करता है कि चाइना टाइप क्या होता है, ब्रिटिश टाइप क्या होता है, सवाना स्टेपीज, मेडिटेरेनियन और वो सब, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्रे मिलते हैं इसमें से, पढ़ लेना आप 2 घंटे में रिवाइज कर लोगे। लेकिन हाँ, जो वेदर और क्लाइमेट जो चैप्टर है उनको जरूर पढ़ लेना, जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जी सी लियोंग पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम एटलस की बात करते हैं। काफ़ी लोग इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि इसको तो बच्चे पढ़ते थे 6th क्लास में, हम क्या करेंगे। नहीं, अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से जाननी है, अगर आपको पॉलिटी समझनी है, इंटरनेशनल रिलेशन समझना है, आपको हिस्ट्री समझनी है, तो आपको मैप्स पे रिलेटिव लोकेशन तो पता होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड और जो ब्लैक स्वान जो एटलस हैं, इनमें से कोई एक उठा लेना, दोनों उठाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों उठाओगे तो जल्दी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इनमें से एक पढ़ लेना और कम से कम मैप्स एक बार तो देख ही लेना एग्जाम से पहले। मैं तो चाहूँगा कि 2-3 बार देख लेना, खास करके इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इतने मैप्स तो कम से कम देख ही लेना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, संजीव वर्मा सर तो रहे नहीं, लेकिन जो उनकी किताब है वो बहुत ही औसम है। संजीव वर्मा सर इज जस्ट 33% ऑफ रमेश सिंह, उसमें सिर्फ 250 पेज हैं, और अगर आप उसको जल्दी से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन निकल जाते हैं उससे। तो रमेश सिंह 750 पेज की किताब है, पढ़ने में ठीक है, थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, लंबी है और रिविजन करना बहुत ही मुश्किल है, तो आपको इसमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो आपके पास बहुत टाइम है तो रमेश सिंह पढ़ लेना, कम टाइम है तो संजीव वर्मा पढ़ लेना। हालांकि संजीव वर्मा सर का अब जो नया अपडेट आएगा मुझे पता नहीं है कि कौन अपडेट करेगा, तो उसका वेट करना कि ऑथर कौन है, हो सकता है क्वालिटी खराब हो जाए। ठीक है, तो न्यू एडिशन जो आएगा वो इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से उसको देख लेंगे हम। ठीक है, तो या तो संजीव वर्मा सर पढ़ लेना टाइम कम है, तो रमेश सिंह पढ़ लेना टाइम ज़्यादा है। तो उसके बाद हम देखते हैं एनवायरमेंट और इकोलॉजी पर, मैंने 20 वीडियो बनाए हैं करीब करीब, अनअकैडमी पर आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, वो काफ़ी है। ठीक है, आप सारे के सारे लेसन वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी पढ़ने की इच्छा हो रही है तो आप शंकर नोट्स भी देख सकते हैं एनवायरमेंट और इकोलॉजी पे, करीब आपको 4-5 दिन लग जाएंगे, थोड़ी मोटी किताब है लेकिन इसमें से थोड़े क्वेश्चन निकल जाते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे तो इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता ही नहीं सकता, इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, आपके एसे राइटिंग में इतनी हेल्प होती है इससे। लेकिन हमेशा ये बात का ध्यान रखें, हमेशा लेटेस्ट एडिशन पढ़ें, तो अगर आपका एग्जाम 2016 में है तो हमेशा 2016 का एडिशन पढ़ें, और आपका इंटरव्यू हम के लिए भी 2017 का एडिशन पढ़ेंगे, समझ गए। तो लेटेस्ट एडिशन पढ़ें, जो भी एग्जाम से पहले आपका लेटेस्ट पॉसिबल एडिशन हो सकता है, उसको आराम से 3 दिन बैठिए, आराम से पेज बाय पेज पढ़िए इसको, कोई जल्दीबाजी मत दिखाइएगा, और इसमें से इतने नोट्स बनाओ कि कम से कम 4-5 पेज के आपके नोट्स बन जाएं, और उन सबको आप हर जगह कोट करो, किसी की मजाल नहीं है आपको उस पर काउंटर कर सके, ना एग्जामिनर कर सकता है, ना आपका इंटरव्यूअर कर सकता है, ना जो आपका एसे चेक कर रहा है वो कर सकता है। तो इस क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डेटा सोर्स है, और ये हमेशा जो आपका बजट होता है उसके 1 दिन पहले आता है। ठीक है, लास्ट वर्किंग डे जो होता है फरवरी का, उसके 1 दिन पहले, क्योंकि उस दिन पार्लियामेंट में बजट होता है। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप विमल राठौड़ ने एक सीरीज बना रखी है अकेडमी पर, उसको देख सकते हैं, उससे आपका इकोनॉमिक सर्वे खत्म हो जाएगा। फिर लैक्सिकॉन आप पढ़ सकते हैं एथिक्स के लिए, क्योंकि बहुत छोटी किताब है, बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे इससे। अब सुब्बा राव की हाफ है, लेकिन जो सुब्बा राव सर है वो 65 बैच के IAS ऑफिसर है, 50 साल पुराने चीफ सेक्रेटरी थे गुजरात के, तो काफ़ी कुछ एथिक्स इंटीग्रिटी में इनको काफ़ी डीप नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो सुब्बा राव पढ़ लीजिएगा, वरना लैक्सिकॉन से भी काम चल जाएगा। अब अगर आप बहुत सारा मटेरियल है आप रेफर कर सकते हैं, तो जैसे कि साइंस एंड टेक की कोई अच्छी किताब नहीं होती, ज्योग्राफी में सिर्फ जीसी लियोंग पढ़ने से काम नहीं होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे अर्जुन देव वगैरह पसंद नहीं है मेरे को, इंटरनेशनल रिलेशन में पंत, राजीव, सीकरी, ये सब मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफ़ी कम होता है। सीसेट पार्ट टू भी क्वालिफाइंग हो गया है, तो आप हिंदू डेली पढ़ लेना, योजना मंथली पढ़ लेना, थोड़ा बहुत कोचिंग मटेरियल देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी कोई भी पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो सारी की दस इग्नोर कर देना, क्योंकि अनअकैडमी वीडियोज़ में वैसे ही कवर हो जाएंगे। तो लेसन देखने के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।